एक मैं आपको इंसिडेंट शेयर कर सकती हूँ। यस श्योर। दिसंबर का महीना था, ठंड का महीना था, सुबह 7 बजे से प्रोग्राम था और 7-8 पार्टिसिपेंट था, ज्यादा नहीं था। जब क्रिया शुरू हुई तो मैं भी 4 बजे उठती हूँ, मुझे साधना करके फिर मुझे जाना होता है। तो जब क्रिया शुरू हुई थोड़ी देर देखा, फिर क्या मैं ऐसे आंख बंद करके बैठ गई, मुझे नहीं पता मुझे आंख लग गई बीच में। सामने वाला का क्या हुआ, गला में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा सांस लेने में, मुझे पता नहीं चला उसमें। तो मुझे बीच में ऐसे एहसास हुआ कोई मुझे ऐसे पीठ में मार रहा है, मैं आंख ऐसे खुला, एहसास तो हो गया गुरुजी है बोल के, गुरुजी ने किया है मुझे कि तुम क्यों सो रही हो। फिर मैंने देखा सब लोग अच्छे से हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कर ही रहे हैं, सांस ले रहे हैं। फिर 2 मिनट बाद वो लोग लेट गए थे, लेट गए। फिर मैंने बोला अब तो कुछ नहीं है, क्रिया खत्म हो गई, लेटे हुए मैं भी आंख बंद कर लेती हूँ। आंख बंद कर ली, फिर उठा, उन्होंने बताया, एक बोले आपका बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा। तो एक ने शेयर किया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था गला में क्रिया करते समय, मैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर एक सफेद कपड़े में एक आदमी आया बोला और मुझे आशीर्वाद दिया, बोला कुछ नहीं होगा आराम से करो। तब तो मुझे महसूस हो गया जो मुझे यहाँ से पड़ा ना पीछे में गुरु जी था उठाने के लिए आए, और उन्होंने वो तो हर समय कभी हमेशा गुरु जी का प्रेजेंस होता है। एक दिन था, एक बोला मुझे, मैं गिर रहा था क्रिया के समय तो गुरु जी ने हाथ से मुझे उठाया, उन्होंने एक्सप्लेन। तो ये जब भी ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत माने आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, मतलब कि गुरु जी आते हैं प्रोग्राम में, आई एम फीलिंग माने बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। अभी तक जब भी प्रोग्राम दिए हो, चाहे फर्स्ट क्रिया में आओ या सेकेंड क्रिया में, गुरु जी प्रेजेंस रहता है, वो यस मुझे ब्लेस्ड फील होता है।